फाइनली इसी वीक बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के जो लिंक हैं आए हैं ऑनलाइन रिकास्ट से रिलेटेड, जो 2.0 लोन रिकास्ट है जिसमें कस्टमर डायरेक्टली जाकर अपना लोन रिकास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी बोरोवर को इधर 2 साल तक का रिलीफ मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ था लोन ईएमआई मॉरेटोरियम और एनपीए से रिलेटेड, और फाइनली जिसकी सुनवाई 11 तारीख को होनी थी, तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एक बार फिर दोस्तों बोरोवर का पूरी तरह से काट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सीधा डायरेक्टली जवाब दे दिया कि भैया ये पूरा फाइनेंशियली मैटर है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अगर बोरोवर को रिलीफ चाहिए तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्र सरकार से डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा, तभी केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें बोरोवर को लोन ईएमआई मॉरेटोरियम और एनपीए के ऊपर रिलीफ दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के अंदर कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकता, और जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ था, जो पीआईएल लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया। यानी जो बोरोवर पहले थे सेम उसी कंडीशन पर आ गए कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत में से कुछ भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं की, और जहां बोरोवर खड़े थे दोस्तों वापस उधर ही वापस बैकफुट पर आ गए। और फाइनली दोस्तों अभी यूको बैंक का भी लोन रिकास्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है, जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूको बैंक ने बोला कि केवल 2314 बोरोवर को ही हम लोन ईएमआई के रिकास्ट पर रिलीफ दे सकते हैं। यूको बैंक ने दोस्तों एक थ्रेशोल्ड अमाउंट भी फिक्स किया है कि केवल 127 करोड़ रुपए के लोन रिकास्ट होंगे, उससे ज्यादा हम लिक्विडिटी नहीं दे सकते। अगर आपका यूको बैंक में अकाउंट है और उधर से आपकी कोई लोन ईएमआई चल रही है तो उसको आज ही आप अप्लाई कीजिएगा, यूको बैंक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सिर्फ 2314 बोरोवर को ही लोन ईएमआई रिकास्ट मिलेगा। लेकिन न्यूज यहीं पर फिनिश नहीं हो जाती, बहुत सारे लोगों के दोस्तों एचडीएफसी बैंक में लोन अकाउंट चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड, जंबो लोन और पर्सनल लोन चल रहे हैं, तो फाइनली एचडीएफसी बैंक की तरफ से दोस्तों लिंक आ गया है। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एचडीएफसी बैंक ने जो मेल प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको मेल डालनी है और उधर से आपको पता लग जाएगा कि आपको लोन रिकास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों जो आपको इधर साइड में दिखाई दे रही होगी covid.resolution@hdfc.com, इसके ऊपर मेल करना, जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक ने कुछ लिमिटेशन रखी है उसी को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमरों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया कि सैलरी वाले जो इंप्लॉई हैं वो और नॉन सैलरी वाले हैं वो। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भैया अगर आपकी सैलरी आती थी तो इससे रिलेटेड आपको टर्मिनेशन आइटम देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, आपका लोन अकाउंट नंबर या लोन से रिलेटेड डिटेल है, आप क्यों पे नहीं कर रहे हैं, वो आपको मेल में भेजना पड़ेगा पूरे फॉर्मेट के साथ जिसकी सैलरी आती थी। और दूसरे कस्टमर के लिए दोस्तों कंडीशन रखे कि जिनकी सैलरी नहीं आती थी, जिसके खुद के बिजनेस थे या खुद जो अपने कामकाज चला रहे थे, उनके लिए बोला कि आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी, आपको लोन की डिटेल है और आप लोन पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, आपके बिजनेस किस तरह से इफेक्टेड हुआ है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है आपको भेजना पड़ेगा। यानी अगर आपका दोस्तों एचडीएफसी बैंक से लोन है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड से लोन है तो आपको मेल के फॉर्मेट से ही मेल करना पड़ेगा, तभी आप लोन रिकास्ट ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक से लोन रिकास्ट लेने के लिए चाहे आपका जंबो लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सिर्फ बिजनेस लोन ना हो तो आप रिकास्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा, मेल आईडी दोबारा बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, covid.resolution@hdfc.com, इधर आपको दोस्तों मेल करना पड़ेगा। अब बात आती है कि दोस्तों इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना होगा और क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि अगर आप लोन रिकास्ट 2.0 लेते हैं तो आपसे ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक चार्ज किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके जो लोन अमाउंट है वो कितनी है, किस तरह का रिकास्ट होता है। मैक्सिमम चार्जेज 5,000 रुपए तक एचडीएफसी वसूल कर सकता है, उन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशन में बोला है। और नेक्स्ट बोला है कि अगर आपका होम लोन चल रहा है या जो दूसरे लोन चल रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर दोस्तों 8% जो इंटरेस्ट है वो रहेगा ही रहेगा। अगर आपका पहले 12% इंटरेस्ट चल रहा था तो वो कम नहीं होगा, लेकिन अगर आपका पहले कोई लोन था अगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है अगर 8% से कम होगा, बहुत सारे होम लोन आपको पता होगा कि 7.5% है, 7.4% है, एचडीएफसी ने कहा कि भैया हम उसको 8% के ऊपर फिक्स कर देंगे। अगर आप लोन रिकास्ट करवाते हो अगर ऊपर है तो वो सेम रहेगा, लेकिन अगर मिनिमम है 8% से ऊपर तो उसको 8% फिक्स किया जाए। दोस्तों ये तो होगी दो बैंकों की बात, यूको बैंक और एचडीएफसी बैंक की, आज ही अप्लाई कीजिएगा। दोनों बैंक का अपडेट मैंने आपको दे दिया, बचे हुए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आ चुकी है, लेकिन ऑनलाइन अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है।
अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन चल रहा है तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्म पहले वीडियो में प्रोवाइड किए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से आप जरूर आज ही फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कीजिएगा ऑफलाइन पोर्टल के थ्रू, नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल अभी तक नहीं आया है, नेक्स्ट वीक तक हो सकता है मे बी आएगा, लेकिन दोस्तों इन दो बैंकों का पूरा अपडेट आ चुका है, आप अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही फर्दर कोई भी बैंक का अपडेट आएगा मैं वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक और नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे।